नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન. નજર કરીએ મોર્નિંગ 100 ન્યૂઝ પર. અયોધ્યામાં નવનિર્માણ પામી રહેલા મંદિરમાં દિવાળીની ઉજવણી. મંદિરના ગર્ભગૃહમાં ભગવાન શ્રીરામની મહાઆરતી ઉતારવામાં આવી અને મહાદીપાવલીની ઉજવણી કરવામાં આવી. रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव बाद साफ सफाई नो आरंभ. 51 घाटों पर सफाई कर्मियों साफ सफाई में जोड़ाया. वहली सवार थी ज थयो सफाई अभियान नो प्रारंभ. उत्तर प्रदेश ना अयोध्या में दीपोत्सव नी उजवणी. आ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक नेताओं अने अन्य देश ना राजदूत उपस्थित रहा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे सरयू नदी किनारे आरती उतारी. राज्यपाल आनंदी पटेल पण हाजर रहा. रामय बने अयोध्या नगरी एक साथ प्रगटिया 22,23,000 दीवड़ा. आ वर्षे बनो नवो रेकॉर्ड. अयोध्या अलग अलग घाट पर दीपक प्रगटावाया. राम की पेड़ी पर लाखों दीवा प्रगटाया. सरयू नदी 58 घाट पर दीप प्रज्वलित कराया. ड्रॉन कैमरा की मदद थी दीवड़ाओं की गणतरी कराई. आ वर्षे दीपक महोत्सव में नवो रेकॉर्ड बनो. गया वर्ष 18 लाख दीवड़ा रेकॉर्ड तूट्यो. राम जन्मभूमि अयोध्या में निर्माण पामनारा राम मंदिर नो अद्भुत नजारो. अत्यार सुधी में तैयार थे मंदिर ने लाइटिंग थी शणगारायु. दिवाड़ी ना अवसर पर जगमगी उठ्यु अयोध्या. रामलल्ला नी प्राण प्रतिष्ठा नु स्थल अत्यार थी जीवन थयु. रामनगरी में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम नो आयोजन थयु. अयोध्या ना जाहिर मार्गो पर झांकी. रामायण प्रसंग पर आधारित झांकी काढवामां आवी. 21 देश नी रामलीलाओ नाटक स्वरूपे प्रस्तुत करवामां आवी. अयोध्या शहर ने रंगबेरंगी रोशनी थी शणगारवामां आव्यु. अद्भुत रोशनी ना शणगार नो ड्रोन नजारो सामे आव्यो. जेमां सरयू घाट पर रंगबेरंगी लाइटो साथे लेजर शो सहित ना दृश्यो नजरे पड़िया. रामायण नी प्रस्तुति में पुष्पक विमान थी राम लक्ष्मण अने जानकी उतरिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेले आरती उतारी. सीएम अने राज्यपाले बाद में प्रतीकात्मक श्रीराम नो राज्याभिषेक पण कर्यो. पीएम मोदीए देशवासियों ने पाठवी दीपावली की शुभकामना. पीएम मोदीए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाठवी शुभेच्छा. तेमणे लख्यू कि दरेक ने दिवाड़ी की शुभकामनाओं. आ त्यौहार दरेकना जीवन में आनंद समृद्धि और सारू स्वास्थ्य लावे तेवी प्रार्थना. दिवाड़ी की पूर्व संध्याए केदारनाथ मंदिर ने भव्य रीते शणगारवामां आव्यु. बरफनी चादर थी ढकायेलू और फूलों की माळाओं थी सुसज्जित मंदिर नो मनमोहक नजारो कैमरा में कैद. उत्तराखंड में दिवाड़ी एक दिवस पहला नानी दिवाड़ी मनावानी परंपरा. तो बद्रीनाथ मंदिर ने दिवाड़ी ना पावन अवसरे पुष्पों शणगार करवामां आव्यो. त्यौहार ने लईने मोटी संख्या में भक्तों पूजा माटे मंदिर आव्या. आवनारु वर्ष खूब शुभदायी निवड़े तेवी ईश्वरना चरणों में प्रार्थना करी. जूनागढ़ना मांगनाथ रोड पर पोलीसे कर्यु फूट पेट्रोलिंग. शंकास्पद व्यक्ति जणाय तो पोलीस ने जाण करवा करायो अनुरोध. कोई अनिच्छनीय बनाव न बने ते माटे पोलीस सतर्क. जम्मू कश्मीर राजौरी में दिवाड़ी की उजवणी. भारतीय सेना जवानों बॉर्डर पर दिवाड़ी की उजवणी करी. फूलझर सड़गावी एकबीजा ने मिठाई खवड़ावी. सेना जवानों दिवाड़ी की शुभेच्छा पाठवी. बरेली में दिवाड़ी की भव्य उजवणी. पोलीस लाइन में 21,000 दीप प्रगटाव्या. दीवड़ाओं की रोशनी थी विस्तार झड़हड़ी उठ्यो. ड्रोन थी लेवाया अविस्मरणीय दृश्य. इजरायल हमास युद्ध वच्चे लंडन में पैलेस्टाइन समर्थकों योजी रेली. सेंट्रल लंडन में हजारों लोगों एकता थई इजरायली आक्रमकता विरोध कर्यो. हाइड पार्क और यूएस एम्बेसी सुधीना मार्ग में 1,850 पुलिस अधिकारी तैनात कराया. अमेरिका न्यूयॉर्क शहर की शालाओं में दिवाड़ी की जाहिर रजा. शहर डेप्यूटी मेयर दिलीप चौहान ने रजा जाहिर करता तमाम लोगों ने दिवाड़ी की शुभेच्छा पाठी. तेमणे कह्यु कि दिवाड़ी पर बाळको पोताना परिवार साथे त्यौहार माणी शकशे. 76 बटालियन सीआरपीएफ ना जवानों ए सरहद पर दिवाड़ी की उजवणी करी. घर थी दूर आ सैनिकों एकबीजा ने मिठाई खवड़ावी दिवाड़ी की शुभेच्छा पाठवी. तो साथे त्यौहार की उजवणी ने लईने जवानों गीत गाईने डांस पण कर्यो. ओडिशाना जगन्नाथपुरी में सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक नु अनोखू रेत शिल्प. समुद्र किनारे रेती में दीवो और भगवान श्रीराम की प्रतिकृति बनावी दीपावली की शुभेच्छा पाठवी. अरवली में मोड़ासाना साकरिया गामे हनुमानजी दर्शन उमटिया भक्तों. गुजरात में एकमात्र सूतेला हनुमानजी की मूर्ति आवेली होवाथी विशेष महात्म्य.
काली चौदश ने लईने हनुमानजी ने 56 भोग पण चढ़ावायो। शक्तिपीठ पावागढ़ में भक्तों घोड़ापूर उमटू, दर्शन में कोई अगवड़ न पड़े ते लाभ पांचम सुधी। सवारे एक कलाक वहला मंदिर कपाट खुला रखा। दिवाड़ी दिवसे मंदिर में चौपड़ा पूजन आयोजन। जूनागढ़ 462 वर्ष जूना महालक्ष्मी मंदिरे भक्त दर्शनार्थे उमटिया। दाणापीठ विस्तार में आवेला मंदिरे दिवाड़ी तहेवार ने लईने भक्तोए दर्शन कर्या। माताजी बाळ तेमज गजलक्ष्मी स्वरूपे स्वयंभू प्रगट थया होवाथी मंदिरनुं छे विशेष महत्व। अमदावाद में नगरदेवी भद्रकाळी माता मंदिरे दर्शन करवा उमटिया लोग। काळी चौदश दिवसे माताजी ने विशेष शणगार कर 56 भोग धरावाया। दिवाड़ी तहेवारों ने लईने मंदिर में लोग उमटता मानव मेहरामण जोवा मळ्युं। सुप्रसिद्ध साळंगपुर कष्टभंजन हनुमानजी मंदिरे उमटी भीड़। काळी चौदश और शनिवार संयोग निमित्ते भक्तोए हनुमानजी मेळव्या आशीर्वाद। भगवान ने हीरा जड़ित आभूषण शणगार कर खास काली चौदश यज्ञ योज्यो। बोटाद साळंगपुर में काळी चौदश निमित्ते मारुति यज्ञ योजायो। हनुमान दादा ने हीरा जड़ित आभूषणों वाघा पहेरावाया। दादा की पूजा आरती और यज्ञ कर्या बाद अन्नकूट पण धरावायो। साळंगपुर मंदिर बाहर पण भक्तों घोड़ापूर उमटू। मोटी संख्या में श्रद्धालुओ परिवार साथे कष्टभंजन देवना दर्शन माटे पहुंचा। कष्टभंजन मंदिर ट्रस्टे पण श्रद्धालुओ माटे रहेवा अने जमवा सहित नी व्यवस्था करी। काळी चौदश दिवसे राजकोटना बालाजी मंदिर में 51 कुंडी मारुति यज्ञ आयोजन। मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा पाठ कर यज्ञ कर। काळी चौदश की पूजा अर्चना में मोटी संख्या में उमटिया भक्त। दिवाड़ी पर्व ने लईने शिरडीना साईं बाबा मंदिर में सुंदर लाइटिंग कराई। मंदिर कलश और परिसर में लाइटिंग की अद्भुत तस्वीरों सामे आवी। ओडिशाना साईं भक्ते स्वखर्चे संपूर्ण मंदिर में लाइटिंग करावी। दिवाड़ी पर्व ने लईने द्वारका में मंदिर ने रंगबेरंगी रोशनी थी शणगारायू। जगत मंदिर शिखर ने विविध आकर्षक लाइटिंग करवामां आव्युं। देशभर में भक्तों नवा वर्षे द्वारकाधीश दर्शनार्थे पहुंचे ते पहला द्वारका नगरी ने शणगार करायो। अरवलीना शामळाजी मंदिर ने दिवाड़ी पावन पर्व ने लईने शणगार करवामां आव्यो। रात्रि समय रंगबेरंगी लाइटिंग थी मंदिर अद्भुत दृश्य जोवा मळ्या। मंदिर परिसर और निज मंदिर अद्भुत दृश्य ने भक्तोए पोताना केमरा में कंडारी हती। राजकोट में कागवड़ खोडलधाम मंदिर में दिवाड़ी निमित्ते विशेष शणगार। खोडल माताजी ने आभूषणों ने विशेष शणगार करवामां आव्यो। उपरांत मंदिर गर्भगृह ने रंगबेरंगी पुष्पों शणगार करवामां आव्यो। खोडलधाम मंदिर परिसर में पण दिवाड़ी ने लईने विशेष लाइटिंग करायु। रोशनी थी झड़हड़ी उठेला खोडलधाम मंदिर अद्भुत ड्रॉ नजारो सामे आव्यो। दिवाड़ी पर्व ने लईने लाखों भक्तों खोडलधाम दर्शन करवा माटे उमटी पड़िया। सूरत रेलवे स्टेशन पर मुसाफरो वच्चे पड़ापड़ी ने धक्का मुक्की सर्जाई। घटना में एक व्यक्ति नु मौत निपज्यु ज्यारे चार लोग बेभान थया। श्वास रूंधावाथी बेभान थे लोगों ने पोलीसे सीपीआर आपी जीव बचावी वधु सारवार माटे होस्पिटले खसेड्या। सूरत रेलवे स्टेशन पर बनेली घटना बाद रेलवे राज्य मंत्री थया दौड़ता। दर्शनाबेन जरदोशे तात्कालिक होस्पिटल पहुंची असरग्रस्तों खबर अंतर पूछया। साथ रेलवे स्टेशन जता लोगों ने शांति राखवानी अपील पण करी। सूरत रेलवे स्टेशन पर घटना बाद गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी लीधी स्थल की मुलाकात। रेलवे पुलिस विभाग अधिकारी पास की घटना की विगत मेड़ी परिस्थिति मेड़ो ताक। हर्ष संघवी की मुलाकात ने लई अधिकारी थे दौड़ता। गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवीए पुलिस की कामगी ने बिरदावी कहूं भीड़ ने काबू में लेवा पुलिस सराहनीय कामगी की। सूरत और उधना रेलवे स्टेशन पर पुलिस सखत मेहनत करे परंतु वु भीड हो कारण मुश्किल सर्जात हो। रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ना मौत बाद पुलिस आवी हरकत में। कन्फर्म टिकट होय तेवा लोकोने ज प्लेटफॉर्म पर प्रवेश आपवामां आव्यो। वधु पेसेंजर नी गुंगणामण ने लईने बनेली घटना फरी न बने तेने लईने रेलवे पुलिसे शुरू करी कामगीरी। सूरत रेलवे स्टेशन पर नी दुर्घटना मुद्दे कांग्रेस आक्षेप कर्या। प्रवक्ता मनीष दोशीए कह्युं वारंवार रजूआत छतां वधारना डब्बा न मुकाया। रेलवे तंत्रना अणघड आयोजनना कारणे एक व्यक्तिए जीव गुमाव्यानो पण आक्षेप कर्यो। सूरत में मुसाफर मौत बाद वडोदरा रेलवे विभाग एलर्ट। मुसाफरो ने मुश्किल न पड़े ना माटे रिजर्वेशन बारी और ट्रेनों की संख्या वधाराई। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर डीआरएम जितेंद्र सिंह करियो निरीक्षण। सूरत रेलवे
स्टेशन पर वतन जनारा लोकोनी भीड़ उमटी दिवाळीना तहेवारोमां मादरे वतन तरफ जवामांथी रेलवे स्टेशन पर किडियारू उभरायू होय एवा दृश्यो सर्जाया। छठ पूजाना पर्व अगाउ परप्रांतीय मुसाफरोनी सौथी वधु संख्या उमटी। ताप्ती गंगा ट्रेन में जनारा मुसाफरोनी संख्या में वधारो। सूरत में उत्तर भारतीय समाजना लोकोनी अंदाजित 20 लाख जेटली संख्या होवाथी दिवाळीए वतन जता लोकोनी भीड़ उमटी। मुसाफरोनी भीड़ने लईने आरपीएफ अने रेलवे पोलीसनो पण बंदोबस्त गोठवायो। सूरत रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ ने लीधे लोकोने भारे हालाकीनो सामनो करवो पड्यो। केटलाक लोकोए टिकट बुक करावी छता ट्रेनना डब्बामां मांड मांड बेसी शक्या, तो केटलाक लोको रातथी ट्रेननी राह जोता होवा छता ट्रेनमां जग्या न मळी। अमदावादना रेलवे स्टेशन पर मुसाफरोनो धसारो जोवा मळ्यो। वतन तरफ जवा मुसाफरोनी टिकट बारी पर लांबी लाइनो लागी। उत्तर भारत तरफ जती ट्रेनोमां वेटिंग वधता रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन पण दोड़ावानुं आयोजन करायुं। अमदावादना गीता मंदिर बस स्टेण्ड में मुसाफरो उमटिया। वतन जवा माटे लोको उमटता मानो महरामण जेवा दृश्यो जोवा मळ्या। एसटी विभाग द्वारा पण वधारानी 2000 थी वधु बसो दोड़ावानुं आयोजन करायुं। भरूच नेशनल हाईवे पर ट्राफिक जामना आकाशीय दृश्यो आव्या सामे। दिवाळीना तहेवारोने लईने रस्ता पर वधी चहलपहल। अंकलेश्वरथी लोकोए पकड़ी छे वतननी वाट। नवसारीना शाक मार्केट विस्तार में आवेल वैभव अपार्टमेंटना छठा माळनी अगासी पर उभेली महिला नीचे पड़ी। अचानक चक्कर आवता छठा माळेथी नीचे पड़ता नीचे बैठेला युवक महिला पड़ी। युवक अने महिला बन्ने हाल सारवार हेठळ। अंधश्रद्धा दूर करवानो अनोखो कार्यक्रम योजायो। स्मशान में आतिशबाजी कराई। वृद्धोथी मांडीने नाना बाळकोए स्मशान में फोड़िया फटाकड़ा। काळी चौदसे स्मशान में दिवाळी जेवो माहोल जोवा मळ्यो। अमदावादना सोलामां आवेली खुल्ली जग्यामां राखेला कचरामां लागी आग। फायर ब्रिगेडनी टीमे आग पर मेळव्यो काबू। कोई जानहानि नहीं। आग लागवा पाछळनुं कारण अकબંધ। वलसाडना वांकी नदीनी नजीक आवेला घासना मैदानमां आग लागी। फायर ब्रिगेडनी टीमे आग पर मेळव्यो काबू। घटनामां कोई जानहानि नहीं। फटाकड़ाना कारणे आग लागी होवानी आशंका। पाटणना समीना गोधाणा गामे घासना वाड़ामां लागी आग। जोत जोतामां लागेली भयानक आगे विकराळ स्वरूप धारण कर्युं। फायर ब्रिगेडे आग पर मेळव्यो काबू। फटाकड़ाना कारणे आग लाग्यानुं अनुमान। राजकोटना कोटड़ा सांगडीना अरडोई पासेनी पेपर मिलमां आग लागी। सोमनाथ पेपर मिलमां अगम्य कारणोसर आग लागता लाखोनुं नुकसान। भारे जहमत बाद आग काबूमां। आग लागवा पाछळनुं कारण अकબંધ। वलसाडना उमरगाममां जीआईडीसीना पुठ्ठाना पैकेट बनावती कंपनी में लागी भीषण आग। मोटा प्रमाण में काचो और तैयार माल संग्रह करायेलो हतो। भारे जहमत बाद फायर ब्रिगेडे आग पर मेळव्यो काबू। कोई जानहानि नहीं। दिवाळी ने लईने सरहदी विस्तारों में सेनानुं चुस्त पेट्रोलिंग। एलओसीनी छेल्ली पोस्ट सुधी सेनानुं चुस्त पेट्रोलिंग। तहेवारों ने लईने कोईपण प्रकारनी सरहदी हुमला सामे सेना सतर्क मोडमां जोवा मळी। हरियाणा ने देवाड़ी में आगनी घटना। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर रालियावास पास नेपकिन निर्माण कंपनी में भयानक आगनी घटना घटी। फायर विभाग की अनेक गाड़ियों घटनास्थले पहुंची। आग पर मेड़वायो काबू। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर जम्मू और काश्मीर की प्रथम रेल कोच रेस्टोरेंट उद्घाटन। आ रेस्टोरेंट कोच आधुनिक सुविधाओं की सज्ज, जेमा मुसाफरो 24 कलाक स्वादिष्ट वानगीओं आनंद माणी शकशे। पुलवामा जिल्ला में सेनाना जवानों ने आतंकियों वच्चे अथड़ामण यथावत। शोपिया में प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ना एक आतंकी ना मौत बाद बनी अथड़ामणी घटना। आतंकियों ना ठेकाणा पर थी हथियार सहित नो मुद्दामाल जब्त। महाराष्ट्र में पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे पर गमकवार अकस्मात। ट्रेलर टेम्पो की टक्कर में 2 व्यक्तियों ने मौत। बन्ने वाहन चालकों ने हॉस्पिटल में मृत जाहिर कराया, तो अकस्मात में अन्य 4 लोगों ने सामान्य इजा। श्रीनगरना डाल लेक में रहेली 5 हाउस बोट में आग लागवानी घटना। बोट में रोकायेला 3 बांग्लादेशी पर्यटकों ना मौत, तो तंत्र ने स्थानिकों ना प्रयास थी 8 लोगों ने सही सलामत बचावाया। डाल सरोवरना घाट नंबर 9 पासे एक हाउस बोट में आग लागी हती। जे झड़पथी विकराळ बनता 7 रहेणाक झूपड़ाओ अने पाड़ोशी घर बळीने खाक थया। आग में करोड़ों रूपयानी संपत्ति बळीने खाक। गांधीनगर पोलीसनो तहेवारों में घरफोड़ चोरी अटकावानो नवतर प्रयोग। प्रोजेक्ट सतर्क अंतर्गत बंद मकान में खास प्रकारना सीसीटीवी कैमरा लगावानी करी शुरुआत। गांधीनगर पोलीसे सेक्टर 7 अने 21 में
सीसीटीवी लगावानी करी शुरुआत। खास प्रकार सीसीटीवी कैमरा ह्यूमन मोशन डिटेक्शन सेंसिंग थी छे सज, जे बंद घर में सतत मॉनिटरिंग करशे। बंद घर में जो कोई व्यक्ति प्रवेश करे तो पोलिस कंट्रोल रूम और मकान मालिक ने मोबाइल पर आपशे एलर्ट। अमदावादना बोपल में लूट करना आरोपी सकंजा में पुलिस पांच आरोपी ने मुद्दामाल और लूटना वपरायेला हथियारों से झड़पी पड़ा। सीनियर सीटिजन ने बंधक बनावी लूटारूए लूट ने अंजाम आप्यो हतो। पुलिस पांच लूटारूओं की पूछपरछ कर लूटनो मुद्दामाल कर्यो रिकवर। आरोपी पास थी लूट में वपरायेल कार पण पुलिस कब्जा में लीधी। पुलिस लूट में गयेला सोना चांदी मुद्दामाल कर्यो कब्जे। वडोदरानी एसएसजी होस्पिटल में एसी आउटडोर और कॉपर की पाइप की चोरी। होस्पिटल दर्दी सगाए चोरी करी होवानो थयो खुलासो। रातना समय युवक की चोरी करता सिक्योरिटी गार्डे रंगे हाथ झड़पी पाड़ी। वडोदरा सांसरोद गामे थयेल युवक की हत्या भेद उकेलायो। करजण पुलिस सीसीटीवी फूटेज आधार त्रण आरोपी की धरपकड़। युवक की हत्या प्रेम संबंध में करवामां आवी होवानो प्राथमिक अनुमान व्यक्त करायो। जामनगर में बे व्यक्तिओ ने कायदो हाथ में लेवो भारे पड़ो। ए डिविजन पुलिस सुओ मोटो कार्यवाही करी एक ने झड़पी पाड़ियो। नशो कर्यो होवानु कहीने वृद्ध ने मार मारनार व्यक्ति ने अटकायत कराई। हैंडपंप साथे मार मारवानो वीडियो थयो हतो वायरल। गीर सोमनाथना वांसोज गाम में जाहिर में जन्मदिवस की उजवणी वीडियो वायरल। युवान जन्मदिवस में जाहिर में बियर पार्टी वीडियो ने लई पुलिस की कार्यवाही। गुनो नोधी कायदेसर की कार्यवाही पुलिस हाथ धरी। पाटण में धारीवाड़ा चेकपोस्ट पर एसओजी बस में बिनवारसी हालत में झड़पू हेरोइन। राजस्थान की पाटण तरफ आती बस में 60.640 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस गुनो नोधी हाथ धरी तपास। छोटाउदेपुर में नकली सरकारी कचेरी रेलो दाहोद सुधी पहुंचो। दाहोद और झालोद में आरोपीए मात्र कागड पर 6 जेटली नकली कचेरी उभी करी होवानो खुलासो। दाहोद में 100 थी वधु काम मंजूर करावी 18,59,000 की उचापत होवानो आरोप। कच्छना आदिपुर पासेथी अपहरण करायेल युवक की मिली लाश। 19 वर्षीय युवक नु अपहरण कर्या बाद खाड़ा में ऊंधा माथे लाश दाटी देवाई हती। 1,25,00,000 की खंडणी कराई थी। जेतपुर में परप्रांतीय श्रमिक युवान की हत्या करनार सकंजा में बन्ने श्रमिकों वच्चे जमवानु बनावा बाबते थयो हतो झगड़ो। छरीना घा झीकीने मौत ने घाटे उतारवाने गुना में उत्तम शर्मा नामना आरोपी की धरपकड़ कराई। दिवाळी टाणे अमदावाद में हवानु प्रदूषण वध्यु। शहर नो एक्यूआई 300 पॉइंट ने पार पहुंचो। वधता एक्यूआई थी लोकोना स्वास्थ्य पर गंभीर असर। श्वास लेवानी समस्या शर्दी उधरस अने आंखों में बढ़तरा केस में वधारो। सूरत ने ओजस्वी फाउंडेशन पर ईडी रेड में खुलासो। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी मुजब गैरकायदेसर रीते फोरेक्स ट्रेडिंग करिया तपास में खुलासो। 1,30,00,000 रोकड़ 3,00,000 की वधुनु विदेशी चलन जारे 8,00,000 की वधुना व्यवहार जप्त कराया। बोटादना गढ़ा में तस्करों एटीएम तोड़वानो कर्यो प्रयास। पुलिस स्टेशन की सामेनी शेरी में ज तस्करों एक साथ बे एटीएम तोड़वानो प्रयास कर्यो। जो कि स्थानिको जागी जता तस्करों लूट कर्या विना ज फरार थया। सुरेन्द्रनगर में 3 पुलिसकर्मी ज करी दारू की हेराफेरी। 606 बॉटल दारू की बजाणा पुलिस मथकना 3 पुलिसकर्मी और एक जीआरडी जवाने करी हेराफेरी। पाटड़ी पुलिस लाइन में पकड़ायेल दारू की हेराफेरी बजाणा पीएसआई ने जाण थता फरियाद नोधाई। द्वारका की नामांकित होटलों की डमी वेबसाइट बनावी छेतरपिंडी आचरनार सकंजा में यात्राधाम सहित धार्मिक और पर्यटन स्थानों की बनावटी वेबसाइट थी रूपया खंखेरिया था। होटल संचालकों की फरियाद आधार साइबर सेले लखनऊ थी आरोपी ने झड़पियो। बनासकांठा डमी सीम कार्ड कौभाड में वधु एक खुलासो। मुख्य सूत्रधार एरटेल कंपनी प्रमोटरे कुल 101 कार्ड काढ़ियानु सामे आव्यु। दरमियान बे आरोपी करेली जामीन अरजी पुलिस की दलील ने आधार कोर्टे फगावी दीधी। दिवाड़ी तहेवारों में तस्करों बेफाम। पोरबंदर में तस्करों बंद मकान में 40 तोला सोनु 1,800 ग्राम चांदी और 7,00,000 रोकड़ा रूपया लई फरार। पुलिस फरियाद लई तपास हाथ धरी। वडोदरा समा विस्तार में युवान आपघात। राधेश श्याम फ्लेट में पंखे लटकी युवके जीवन टूंकाव्यू। युवक नशा बंधाणी होवानी माहिती पण सामे आवी। पुलिस घटनास्थले पहुंची वधु तपास हाथ धरी। अमदावादनी साबरमती नदी में आपघातना बनावों रोकवा एएमसी प्रयास। नदीना ब्रिज पर बेनरो लगावी लख्यू के आपघात ए कोई समस्यानु निवारण नथी। साथ ज एक टोल फ्री नंबर पण जाहिर करवामां आव्यो।
આણંદના પેટલાદમાં પ્રાથમિક શાળા નજીક આગ લાગી પાણીની ટાંકી નીચે રખાયેલા ઘાસચારામાં લાગેલી આગ વિકરાળ બની આગની ઝપેટમાં આવી ગયું ટ્રેક્ટર ઘાસચારો બળીને ખાક. ભાવનગરના ગારિયાધારમાં ભૈરવનાથ ચોકમાં ફટાકડાની લારીઓમાં લાગી આગ. 10 જેટલી બિનઅધિકૃત ફટાકડા વેચાણ કરતી લારીઓમાં આગ લાગતા અફરાતફરી સર્જાઈ. આગની ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાની નહીં. પાલનપુરના કીર્તિ સ્તંભના પ્રાંગણમાં લાગી આગ. અચાનક આગને પગલે ફાયર બ્રિગેડ ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગ પર મેળવ્યો કાબુ. આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાની નહીં, જોકે આગ લાગવા પાછળનું કારણ હજુ અકબંધ. ગુજરાતમાં લોકસભા ચૂંટણી પહેલા લાગુ થઈ શકે છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ. સૂત્રના મતે આગામી અઠવાડિયે ઉત્તરાખંડમાં લાગુ થશે યુસીસી, જે બાદ ગુજરાત યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ કરનારું બીજું રાજ્ય બની શકે. મહીસાગરમાં પાણી પુરવઠા વિભાગના કામદારો દિવાળી ટાણે પણ પગારથી વંચિત. એજન્સીઓની મનમાનીના કારણે લાઇનમેન સહિતના લોકો પગારથી છે વંચિત. છેલ્લા 2 મહિનાથી 200 કામદારોનો પગાર ન થતા એજન્સીઓ સામે રોષ ઠાલવ્યો. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનો વધુ એક મોટો નિર્ણય. જેલ વિભાગના કર્મચારીઓને દિવાળી ભેટ. વર્ગ 3ના કર્મચારીઓના ભથ્થામાં વધારો. જેલ સહાયકને હવે 3500 ખાસ વળતર. હવાલદારને 4500, સુબેદારને 5000 ખાસ વળતર મળશે. પાકિસ્તાન જેલમાં બંધ 80 માછીમારોને મુક્ત કરાયા. પોરબંદરમાં માછીમારોના પરિવારોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો. વાઘા બોર્ડરથી ટ્રેન મારફતે માછીમારો પહોંચશે વતન. પરિવાર સાથે મનાવશે દિવાળી. અમદાવાદ મનપાની રેવન્યુ કમિટીનો બાકી વાહન ટેક્સ મુદ્દે નિર્ણય. 31 માર્ચ 2024 સુધીમાં બાકી વાહન ટેક્સ ન ભરે તો 1 એપ્રિલ 2024થી વ્યાજ સાથે દંડની જોગવાઈ લાગુ કરવાનો નિર્ણય. અંદાજે 52,000 વાહન માલિકોએ નથી ભર્યો વાહન ટેક્સ. ભાવનગરમાં 900થી વધુ સફાઈ કર્મચારીઓ કામથી રહ્યા અડગા. ડ્રેનેજમાં બચાવવા ઉતરેલા કર્મચારીઓનું ગુંગળામણના કારણે મોત થયું હતું. પરિવારના સભ્યોએ અન્ય પરિવારના સભ્યને સરકારી નોકરી આપવા અને તાત્કાલિક સરકારી રકમ ચૂકવવાની પણ માંગ કરી. પાટણના રાધનપુરમાં નાનાપુરામાં પ્રાઇવેટ સોલાર પ્લાન્ટની જમીન અંગે વિવાદ. સોલાર કંપનીએ ખરીદેલી જમીનનું ખોટી રીતે વેચાણ થયું હોવાનો આરોપ. સરકારી જમીનના ખોટા દસ્તાવેજ કરાયા હોવાનો દાવો. મામલતદારે સોલાર પ્લાન્ટની અટકાવી કામગીરી. ભરૂચ જિલ્લાના વાહન ચાલકો માટે ખુશીના સમાચાર. GJ16ના વાહનોને ટોલ પર ટેક્સમાંથી વળી મુક્તિ. ભરૂચના વાહન ચાલકોને નહીં ભરવો પડે ટોલ ટેક્સ. ટોલનાકાના સંચાલકો સાથે ચર્ચા બાદ લેવાયો નિર્ણય. ભરૂચના ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રીએ કરી જાહેરાત. રાજ્યના વધુ એક યુવકનું હાર્ટ એટેકથી મોત. મહીસાગરના લુણાવાડામાં વેપારીને આવ્યો હાર્ટ એટેક. છાતીમાં દુખાવો થતા વેપારીને હોસ્પિટલ લઈ જવાઈ રહ્યા છે, જો કે હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા જ મોત. અમદાવાદમાં વધુ એક બેફામ કારે સર્જ્યો અકસ્માત. બોપલમાં મોંઘીદાટ કારના ચાલકે BRTS રૂટમાં પૂર ઝડપે ઘૂસી જઈ અકસ્માત સર્જ્યો. બનાવ બાદ કાર ચાલક ઘટનાસ્થળે કાર મૂકીને ફરાર. વડોદરામાં કાર ચાલકે સર્જ્યો અકસ્માત. લક્ષ્મીપુરા રોડ પર નારણ ગાર્ડન પાસે પૂરપાટ ઝડપે કાર વીજપોલ સાથે ટકરાઈ. વહેલી સવારની ઘટના હોવાથી મોટી જાનહાની ટળી. વડોદરામાં કરજણની બોડકા ગામે થયો વિચિત્ર અકસ્માત. સામસામે બે બાઇકો અથડાયા બાદ અગમ્ય કારણોસર એક બાઇકમાં લાગી આગ. બુલેટ સવાર આગમાં દાઝતા તેમજ અન્ય બાઇક સવારને પણ ઇજા પહોંચતા 108 મારફતે સારવાર અર્થે ખસેડાયા. અમદાવાદમાં વેફામ ટ્રકની અડફેટે 2.5 વર્ષના બાળકનું મોત. કાંકરિયા રેલવે યાર્ડ નજીક દુર્ઘટના. અકસ્માત સર્જાતા સ્થાનિકોએ ટ્રક ચાલકને માર્યો માર. ઇજાગ્રસ્ત ટ્રક ચાલક સારવાર હેઠળ. પાટણના સરિયત ગામે ફટાકડાના સ્ટોલમાં આગ લાગી. આગ લાગતા આસપાસમાં શાકભાજીની લારીઓ અને દુકાનોમાં પણ નુકસાન. સદનસીબે દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાની નહીં. ગામ લોકોએ આગ પર મેળવ્યો કાબૂ. વડોદરાના કારેલીબાગ વિસ્તારમાં ટ્રકમાંથી બિનવારસી મૃતદેહ મળ્યો. બહુચરાજી મંદિર પાસે ખુલ્લી જગ્યામાં મૂકી હતી ટ્રક. ટ્રક માલિકની નજર જતા અંદર મૃતદેહ હોવાનો ખુલાસો થયો. પોલીસે મૃતદેહનો કબજો મેળવી વધુ તપાસ હાથ ધરી. અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનના રીડેવલપમેન્ટનો મુદ્દો. હાઈકોર્ટમાં નડતરરૂપ દરગાહ અને મંદિરને ડિમોલિશનની નોટિસ અપાતા દરગાહ કમિટીએ હાઈકોર્ટમાં પડકારી. હાઈકોર્ટે રેલવેને પક્ષે રજૂ કરવા નોટિસ ઇસ્યુ કરી. 16 જાન્યુઆરીએ વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે. અમદાવાદમાં બાળકોમાં ફીવર અને કફ કોલ્ડનું પ્રમાણ વધ્યું તો બીજી તરફ બાળકોમાં એન્ટીબાયોટિક દવાની અસર ઘટી હોવાનું સામે આવ્યું. માતા પિતા ડોઝ આપી દેતા હોવાથી અન્ય દવાની અસર ઓછી થાય છે. ડોક્ટરે કન્સલ્ટ બાદ દવા લેવા માટે લોકોને કરી અપીલ.
राजकोट में मनपा द्वारा सतत 40मा वर्षे भव्य आतिशबाजी योजाई। धनतेरसना शुभ दिवसे रेसकोर्स ग्राउंड में आतिशबाजी निहाळवा शहरीजनों उमटिया। सांसद धारासभ्य सहित पदाधिकारी अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहा। नवसारी में आदिनाथ जैन देरासर खाते काड़ी चौदश ने लईने धार्मिक कार्यक्रम योजायो। गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी धार्मिक कार्यक्रम में रहा उपस्थित। उपरांत नवसारी धारासभ्य अन्य संगठन होद्देदारों उपस्थित रहा। अमदावाद में गुजराती फिल्म जगतना कलाकारों दिवाड़ी की उजवणी करी। फटाकड़ा फोड़ी दिवाड़ी त्यौहार की उजवणी साथे लोगों ने शुभकामनाओं पाठवी। फेमस एक्टर सिद्धार्थ रांदेरिया सहित कलाकारों में उत्साह माहौल जोवा मळ्यो। कोइंबतूर एरपोर्ट पर 10,000 लाल कानवाड़ा काजबा सहित अजगर गरोड़ी और इगुआना पकड़ाया। सिंगापोर की स्कूट एरलाइन्स 3 मुसाफरों सामान में मळ्या जड़ और जमीन पर रहता प्राणीओ। चॉकलेट बॉक्स में ढांकी रखाया था काजबा। अल्मोड़ा जिला विस्तार में वरसादी माहौल। वरसाद बाद वातावरण ठंडूगार बन्यू। खीण में सवार थी धुम्मस भर्यू वातावरण जोवा मळ्यू। हवामान विभागे पण करी केटलाक विस्तारों में वरसादनी आगाही।